दोस्तों, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाएंगे अंडा कढ़ी जो बिना किसी स्पेशल मसालों के बनेगी। तो हमने यहाँ पर आठ अंडे लिए हैं और इसको हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले में हमने धनिया, लहसुन, प्याज, मिर्ची बस। तो अब हमने यहाँ पर चार उबले आलू लिए हैं। ये हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया है इसमें, और ये दो टमाटर हमने पीसे हैं, पेस्ट बनाया है। अब हमारा तेल लाल हो चुका है। अब हम इसमें एक एक अंडे डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। इसमें हमने कट इसलिए लगाया था ताकि फ्राई करते वक्त दगे ना, इसलिए। अब हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। अंडे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमने फ्राई करते वक्त मीडियम फ्लेम में रखा था। अब हम धीरे धीरे निकालेंगे। अब हमने तड़के के लिए यहाँ पर लिया है कड़ी पत्ता और प्याज। अब हम इन्हें डाल देंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। तो जब तक हमारा प्याज हो जाएगा, अब हम इसमें हरा मसाला ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है, हरे मसाले को। अब हम इसमें दो चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब हम इसमें एक चम्मच लगभग हल्दी ऐड कर लिया है। अब हम इन सबको लगभग दो मिनट तक पकाएंगे। हमने गैस का फ्लेम तेज ही रखा था। अब हम इसमें पीसे हुए टमाटर डालेंगे। हमने यहाँ दो टमाटर पीसे थे। अब हमें यहाँ फिर से भूनना है मसाले को लगभग एक मिनट के करीब, जब तक ये नीचे चिपकने ना लगे तब तक। अब हमारा मसाला हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे एक एक करके अंडे डालेंगे। अब हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर लगभग तीन ग्लास के तकरीबन पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, ये मैं चार लोगों का बना रही हूँ अंडा कढ़ी, तो हमने यहाँ पे तीन ग्लास पानी ऐड किया है।
अब हमने इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसे लगभग हम ढक देंगे, अब 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक एक उबाल ना आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा अंडा उबलने लगा है। अब हम इसमें कटे हुए बारीक धनिया डालेंगे। हमने इसे लगभग 15 मिनट पकाया था। अब हमारा तैयार है अंडा कढ़ी, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर काम की लगी तभी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।